नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिसिस सेपिएंट कंपनी के बारे में। तो अगर पब्लिसिस सेपिएंट आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पब्लिसिस सेपिएंट, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है पब्लिसिस सेपिएंट के साथ एंड यू वॉन्टेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो जहां तक मुझे याद है, मैंने इस कंपनी में बहुत ज्यादा ट्राई किया था, बहुत ज्यादा लोगों को बोला था कि मुझे रेफर कर दे, लेकिन कभी भी यहां पे पाइथन रिलेटेड पोजीशन नहीं निकली थी और मुझे कभी भी रेफर नहीं किया गया था या फिर मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। लेकिन पता नहीं एक दिन अचानक ही मुझे HR की तरफ से कॉल आ जाती है कि उन्होंने मेरी प्रोफाइल को naukri.com से उठाया है। मैंने ही कभी जाकर अप्लाई किया होगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट हां मुझे डायरेक्टली HR की तरफ से कॉल आ गया था कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है और हम चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएं क्योंकि आपके स्किल सेट बहुत ही ज्यादा मैचेबल है इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा और कब तक ज्वाइन कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान पूछे। तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू बहुत ही जल्द शेड्यूल कर दिया। इस पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में मेरे 3 राउंड हुए थे, जिसमें सबसे पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन का, दूसरा राउंड था मैनेजरियल डिस्कशन और तीसरा राउंड था HR डिस्कशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा कि मुझसे कौन कौन सी चीजें पूछी गई थी या फिर किन किन सिचुएशंस में मुझे डाला गया था और मैं उनका जवाब किस तरह से दिया था, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किस तरह से मैंने दिया था, आपको उन सबके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि टेक्निकल डिस्कशन राउंड था। तो इस राउंड में इंटरव्यूअर ने सबसे पहले मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो ऑलरेडी मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी हुई थी, मैंने वही जाकर सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे 5 कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और उसके अलावा बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चन कौन कौन से मुझसे पूछे थे और मैंने उनका आंसर क्या क्या दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन में उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी जिसमें सारे के सारे इंटीजर पड़े हुए थे और मुझे कहा था कि इनका क्यूब फाइंड करके दो, एक अलग लिस्ट बनाओ जिसमें इनके सारे क्यूब्स फाइंड करके मुझे प्रॉपरली लिस्ट तैयार करके दो। तो उसके लिए मैंने ये वाला कोड उनको लिखकर दे दिया था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से मैंने वो सारे के सारे जितने भी इंटीजर थे उनका क्यूब फाइंड करके उनको अलग लिस्ट में स्टोर कर दिया और ये उनको आउटपुट आ गई थी। दूसरा कोडिंग क्वेश्चन था सॉर्ट अ लिस्ट विदाउट यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। तो उसमें क्या किया मैंने, फॉर लूप का यूज किया और जो स्वैपिंग वाला कंसेप्ट होता है कि मैंने दो एलिमेंट को स्वैप कर करके प्रॉपरली उस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, तो मैंने उसके लिए ये वाला प्रॉपर प्रोग्राम वहां पे लिख दिया था जो कि एंड में चल पड़ा था। नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था जिसमें मुझे फंक्शन डिफाइन करना था जो कि 2 आर्ग्यूमेंट एज ए नंबर लेता और 1 आर्ग्यूमेंट एज एन ऑपरेटर लेता और मुझे इन द एंड बताना था कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने इवैल फंक्शन का यूज किया। इवैल से क्या होगा कि उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग होती है जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है, किसी भी ऑपरेटर के साथ लिंक होती है, वो उसका रिजल्ट दे देता है। तो मैंने इसमें इवैल का ही यूज किया। इवैल फंक्शन से मैंने सारा का सारा प्रॉब्लम रिजोल्व कर दिया और ये कोड मैंने उनको लिखकर दे दिया। नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट किसी दूसरी फाइल में कॉपी करना था और उसके लिए कंडीशन भी दे दी गई थी कि वही कंटेंट कॉपी करना है जिसमें कोई पर्टिकुलर कीवर्ड आए। अब मान लो कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड था नितिन और मान लो कि 2 फाइल थी, जैसे कि hello.txt और hello2.txt। तो मुझे क्या करना था कि hello.txt का वो सारे के सारी लाइन्स वाला कंटेंट hello2.txt वाली फाइल में कॉपी करना था जिस भी लाइन में नितिन आ रहा हो। तो ये उनकी प्रॉपर प्रॉब्लम थी। तो इस क्वेश्चन को मैंने रिजोल्व किस तरह से किया था कि मैंने ओपन विद कीवर्ड का यूज किया था। सबसे पहले मैंने 2 अलग अलग ओपन कीवर्ड यूज किए थे, ओपन और विद कीवर्ड यूज किए थे। उसमें मैंने क्या किया था कि पहली वाली फाइल में मैं क्या करता, पहली वाली फाइल को ओपन किया, उसका जितना भी कंटेंट था उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसके बाद जो दूसरी फाइल थी वो सारा का सारा कंटेंट मैं उसमें डाल रहा था, लेकिन उसमें मैं एक फिल्टर भी ऐड कर रहा था कि अगर उस पर्टिकुलर लाइन में नितिन हो तो वो उसी टाइम पे वहां पे ऐड हो, नहीं तो मत ना ऐड हो। तो ये सारा का सारा लॉजिक मैंने वहां पे लिख दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने इंटरनेट पर जाकर इसका आंसर देखा था तो मुझे ये वाला आंसर भी मिल गया था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको भी जब कोई भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो मैंने इंटरनेट पर ये आंसर फाइंड किया था तो इससे कर लेना। इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने दोनों के दोनों फाइल एक साथ ही ओपन करके रख दी थी। आप अगर दोनों में से कुछ भी यूज करोगे दोनों यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि प्रेफर आप दूसरे वाला ही कीजिएगा क्योंकि अगर दोनों आप एक ही साइट पर ओपन कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको एक्सप्लेन करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉजिक कंपेयर करोगे तो लॉजिक दोनों में ही सिमिलर होगा। तो इस तरह से मैंने ये प्रॉपर प्रॉब्लम रिजोल्व करके उनको बताया था उस टाइम।
टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इसमें मुझे एक प्रॉपर कोड लिखने को बोल दिया गया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करो एक प्रॉपर कोड लिखने के बाद। तो उसमें मैंने क्या किया था, एक क्लास डिफाइन की थी क्लास ए, उसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था ए बी सी के नाम से, देन क्लास बी और सेम फंक्शन मैंने उसमें भी डिफाइन किया था, देन क्लास सी जो कि एक दो क्लास बी और सी दोनों ए को इनहेरिट कर रही थी, देन उसके बाद क्लास डी जिसपे मैंने कुछ कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ पास डिफाइन कर दिया था। अब मैंने डी का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और उसके बाद डी डॉट ABC के साथ उसको कॉल करना चाहा, तो उसमें क्या हुआ कि वो एकदम, हमें इतना भी पता है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि सीक्वेंशियल वे में डाटा जाता है, यानी कि जब इस पे मैं d.abc को कॉल करूंगा तो वो C में बाद में जाएगा, सबसे पहले वो B में ही कॉल कर देगा, तो उसके कारण प्रिंट B जाकर वहां पे प्रिंट हो गए। तो ये सारी की सारी एग्जांपल मैंने उस दौरान उनको दी थी प्रॉपर मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय अब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन, तो अब्स्ट्रैक्शन का बेसिक पर्पस यही होता है टू हाइड द रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द यूजर एंड एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन यूजर्स ऑफ इट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, तो मान लो कि आपके पास घर में रिमोट पड़ा होता है, तो रिमोट के अंदर क्या फंक्शनैलिटी चल रही होती है आपको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, आपके पास सिर्फ बटन दिए होते कि आप जब भी उस पर क्लिक करते हो तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी वहां पे रन हो रही होती है, कभी कभी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कभी कभी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, किस तरह से ऑफ होता है, ऑन होता है टेलीविजन, तो आपको वो सब फंक्शनैलिटी वहां पे मिल जाती है, इसी सब चीजों को अब्स्ट्रैक्शन का नाम दिया जाता है, तो मैं उनको यही चीज एक्सप्लेन करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास मेथड एंड अ स्टैटिक मेथड, तो बेसिक मैंने ये डिफरेंस उनको एक्सप्लेन करके बताया था कि क्लास मेथड में क्या होता है कि जब भी हम किसी क्लास मेथड को कॉल करते हैं और मान लो कि अगले 2-4 बार उसको फिर से कॉल किया और इन फ्यूचर अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज हो गया तब भी उसका चेंजेस पुराने वाले चेंजेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर सेम चीज स्टैटिक मेथड में होती है तो जो भी पुराना है उसमें कॉल गई हुई थी उसमें भी वो सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बेसिक इसमें यही डिफरेंस होता है। देन उसके अलावा मैंने 3-4 और डिफरेंसेस उनको बताकर दिए थे, आपकी स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं आप भी इनमें से कुछ भी डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ डिक्शनरी, तो इसमें तो मैंने सिंपल एक्सप्लेन कर दिया था कि लिस्ट में सिंपल सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन डिक्शनरी में कीज और वैल्यू का पेयर होता है, तो मैंने यही चीज एक्सप्लेन करके उनको बता दिया था। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि तुम्हारा अब तक एक्सपीरियंस किस तरह से रहा था, क्या क्या चीजों में तुमने एक्सेल किया, क्या क्या तुम्हारा टेक स्टैक रहा था उसके बारे में बताओ, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो और उसमें तुम्हारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मैंने ए टू जेड 3 प्रोजेक्ट उनको उसी दौरान एक्सप्लेन करके बताए थे जो मैंने कंपनीज में जाकर काम किया था और उसमें मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या फिर मैंने वहां पे क्या काम किया था, उनको मैंने वो सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था दैट एक्सप्लेन एनी सिनेरियो जहां पे आपको लगा हो कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी आपके प्रोजेक्ट में, तो मैंने अपने रियल टाइम सिनेरियोस में जो भी चीजें चैलेंजिंग फेस की थी मैंने उनको उस दौरान उन सब सिचुएशंस के बारे में बताया और इसके बाद ही उन्होंने उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कहा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे उनसे क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या टेक स्टैक आप फॉलो करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन उनसे पूछे थे। तो इसी के साथ मेरा ये वाला राउंड भी खत्म हो गया। उसके बाद मुझे 1 या 2 दिन के बाद एचआर की तरफ से ही कॉल आ जाता है कि आपने ये वाला राउंड क्लियर कर लिया है और अब आपका एक फर्दर राउंड होगा जो कि डायरेक्टली मैनेजरियल राउंड होगा। तो फर्स्ट राउंड हो जाने के बाद मुझे 5 दिनों के अंदर मेरा सेकंड राउंड कंडक्ट करवा दिया गया था जो कि मैनेजर डिस्कशन राउंड था। ये प्रॉपर एक मैनेजर राउंड ही लग रहा था, मैंने इस तरह का मैनेजर राउंड आज से पहले कभी भी नहीं दिया था। उन्होंने प्रॉपर मेरे बिहेवियर पर ही सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे थे और ये पर्टिकुलर इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया था। मैंने कभी भी इतना लंबा मैनेजर राउंड नहीं दिया था जितना ये वाला पर्टिकुलर इंटरव्यू हुआ था और इसमें मुझसे कुछ भी टेक्निकल चीजें नहीं पूछी गई थी, ऊपर से प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन ज्यादातर चीजें मेरे बिहेवियर पर ही थी कि तुम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करोगे या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कैसे बिहेव करोगे, यही सब चीजें मुझे वहां पे देखने को मिली। तो अब बात करते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस मुझे इन पर्टिकुलर वहां पे देखने को मिले थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा था कि मैं क्या-क्या काम करता हूं, या उन्होंने एक्चुअली जब बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे यह कहा था कि मुझे तुम्हारी टेक्निकल बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, मुझे तुम और चीजों के बारे में बताओ जो कि तुमने अपने रिज्यूमे में नहीं लिखी होंगी, या फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ। तो
सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो मैंने उस दौरान वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वो उस टाइम पे चाहते थे उसी अकॉर्डिंग उनको वहां पे अपने इंट्रो दे दी। देन उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार प्रिपेयर करके रखा होता कि क्या चीजें बतानी चाहिए, तो मैंने वही सब चीजें वहां पे भी बता दी। देन उनका अगला क्वेश्चन था, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, व्हाट आर योर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, यानी कि टेक्निकलिटी के मामले में आपको क्या लगता है कि आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या चीजें हो सकती हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर सिनेरियो वेयर यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट विद योर कलीग और विद योर लीड, तो उस सिचुएशन को तुमने किस तरह से हैंडल किया उसके बारे में बताओ। तो मेरे सच में एक ऐसा सिनेरियो बन चुका था अपनी कंपनी में, तो मैंने उनको वो सिनेरियो एक्सप्लेन करके दे दिया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो जो जो भी मेरे प्रोजेक्ट उस टाइम पे मैंने काम किए हुए थे, करंट प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया था कि अब तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ पे क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं, तो उन सब के बारे में मैंने उनको उस टाइम पे बताया। इसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था, व्हाई यू लीव योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन ऑल। तो जितनी भी मैंने कंपनीज में रिजाइन किए थे या फिर जितनी भी मैंने कंपनीज को लीव किया था, उन सबके बारे में मुझे एक एक करके पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर कंपनी को क्यों छोड़ा, क्या रीजन था, देन दूसरी कंपनी को क्यों छोड़ा, उनका क्या रीजन था। तो ऐसे ऐसे करके मुझे सब कंपनीज के बारे में पूछा गया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू रियली वांट टू वर्क ऑन। तो मैंने बोल दिया कि पाइथन या फिर जेंगो पे मैं काम करना चाहता हूँ। देन उनके बाद ही उनका क्वेश्चन था कि अगर आपको पाइथन या जेंगो पे काम ना दिया जाए, कल को अगर मान लो कि बिजनेस की ऐसी नीड हुई या फिर कंपनी की ऐसी नीड हुई कि आपको किसी और प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल रहा हो, तो आप करोगे उसको, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो मैंने वहां पे एकदम फर्म होकर बोल दिया कि सर एक्सेप्ट तो मैं कर लूंगा, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे आप प्रॉपरली एक साल के लिए उसी डोमेन में डालकर रखो, क्योंकि इवेंचुअली मुझे पता है मैं उस डोमेन में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, इवेंचुअली मुझे पाइथन या फिर जेंगो वाली फील्ड में ही जाना है। तो अगर आप मुझे अभी के लिए बोल भी दोगे कि मैं उसी फील्ड में थोड़ा टाइम काम करूंगा, देन इट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी, क्योंकि मुझे भी पता है कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में किसी और टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ता है। लेकिन अगर वो कभी कभार क्या होता है कि 2-3-4 महीने तक आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो ज्यादा ही एक्सटेंड हो रहा है, तो मेरे लिए वो सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जिस फील्ड में मैं काम करना चाहता हूं, आप मुझे प्लीज उसी फील्ड में प्रोजेक्ट दें। तो ऑब्वियसली अभी के लिए अगर आप मुझसे ये चीज पूछोगे, तो मैं यही कहूंगा कि अगर टेम्पररी वे में अगर आप मुझे कोई प्रोजेक्ट दोगे उसको हैंडल करने के लिए, तो मैं कर दूंगा। लेकिन अगर वो चीज परमानेंट वे में होगी, तो मैं आपको उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा उस टाइम पे उनको जवाब था। देन ऐसे ही और भी क्वेश्चन थे जो कि मुझे उन्होंने उस दौरान पूछे थे, सारे के सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस ही थे। कि अभी मुझे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं है, जब मैं उनको लिख रहा था तो मेरे दिमाग से भी कुछ क्वेश्चंस स्किप हो गए थे, लेकिन हाँ सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेसिस ही थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैंने उसके बाद मैनेजर से वो प्रॉपर सारा का सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझा, किस प्रोजेक्ट पर मैं काम करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में सारी की सारी डिटेल के बारे में पूछा, क्या क्या टेक्स्ट स्टेप फॉलो करने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा। तो मैंने A to Z अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली थी उस पर्टिकुलर कंपनी में, मैंने उसके बारे में वो सब चीजों के बारे में उनसे पूछा। देन उसके बाद सेकेंड राउंड जब हो गया था, मुझे 1 या 2 दिन के बाद उनकी मेल आ जाती है, जिसमें वो मुझे कंग्रेचुलेट करते हैं और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उसी मेल में मांगते हैं। उनका मेल कुछ इस तरह से था, Congratulations, it's time to celebrate as you have successfully cleared the interview process with Publicis Sapient for the role of this. तो ये मेल उन्होंने मुझे उस दौरान भेजी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि फाइनली Publicis Sapient में मेरा हो गया, क्योंकि ये वन ऑफ द ड्रीम कंपनी थी मेरी जिसमें मैं डेफिनेटली जाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने वो वाली मेल भेजी, तो उसके बाद मुझसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी थी, मैंने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको उसी दौरान सेंड कर दिए। लेकिन उसके बाद HR का ना तो मुझे कॉल आया, ना उनकी मुझे कोई मेल आई, और मैंने उनको बहुत बार कॉल करके ट्राई किया, लेकिन उसके बाद उनका और मेरा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैंने बहुत बार ट्राई किया उनको रिमाइंडर भेजने के लिए, इवन कि मैंने मेल्स भी किए उनको बहुत ज़्यादा, कि मुझे इसका फीडबैक नहीं मिला, क्या मैं रिजेक्ट हो गए या फिर क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैंने कॉल्स भी किए, 1 हफ्ता गया 2 हफ्ते गया 3 हफ्ता गया, प्रॉपर 1 महीना हो गया, फिर भी मुझे कुछ भी फीडबैक उनकी तरफ से नहीं मिला। तो मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कैंडिडेट्स के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको वो चाहते हैं कि ज्वाइन करना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एंड मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिजेक्ट भी करना चाहते हैं, तो उसको उसी टाइम पर रिजेक्ट कर दीजिए, ताकि वो भी आपकी वेट में ना लगा रहे। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी और कैंडिडेट को हायर कर लिया है, तो आप उसको बता दीजिए कि ये पोजीशन ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो हम आपका कैंडिडेट आगे प्रोसीड नहीं कर सकते।
उसको बिना वजह वेट मत करवाया कीजिए, क्योंकि क्या पता भी, चलो मेरे पास तो और भी ऑफर लेटर थे तो मुझे तो इतना नहीं था, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि उनकी ये ड्रीम कंपनी, उनको वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन करना ही होता है, तो उनके लिए ये सिचुएशन टैकल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस था पब्लिसिटी सेपिन के साथ। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोज आप तक और भी लेके आ सकूँ। धन्यवाद।